जैसा हम लोग सब बढ़िया आज अपनी भूमिका स्टार्ट करते हैं। पिछली 19 तारीख तक की जो क्लास थी, 3 दिन की, पिछले 3 दिन की क्लास है, उनमें मैंने आपको पॉइंट करवा दिया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उससे पहले जो अपन कर रहे थे वो हमने किया था रिजर्व सरप्लस के बारे में। अच्छा, उसमें 2 रिजर्व सरप्लस मैंने नहीं पढ़ाया था, जिनमें एक था अपना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक था इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, 4-5 केसेस हैं, वो केसेस अपन डिस्कस करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व का मतलब क्या बताया था मैंने, मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट आप कमाते हो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा आप क्या करते हो, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, बाकी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो और उनको कैपिटल में ऐड कर देते हो। अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 1 की बात, तो कभी कभी हम पेड एप्रोवेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते थे 2 रिजर्व, और क्वेश्चन लिखा होता कि संचय में इतना परसेंट ट्रांसफर कर दो, ऐसा लिखा होता तो हम उसमें ट्रांसफर कर दिया करते। ठीक है सर, ये उसी की बात है, तो रिजर्व में ऐसे ट्रांसफर पर करते हैं। अब ये अपन पढ़ रहे हैं क्या रिटायरमेंट सॉरी एडमिशन का टाइम, तो उस टाइम पे पहले से कुछ अमाउंट इनके अंदर पड़ी हुई होगी। तो बात यह है करना क्षतिपूर्ति कोष का मतलब देखो, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है ये बताओ। ये है बेटा, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, आप कोई भी काम करते हो जहाँ पर मशीन लगी हुई है बहुत सारी, जैसे मान लो आप आयरन का काम करते हो, आप लोहे का काम करते हो, लोहे के काम की फैक्ट्री को इमेजिन करके देखना जरा, लोहे की फैक्ट्री में क्या क्या हो सकता है कि सर एक बड़ी सी मशीन होगी जिसमें लोहे की कटाई होगी, होता ना बड़े बड़े लोहा बन जाता है फिर उस ऊपर पीसेस में काटते हैं टुकड़े करते हैं, तो मशीन से उनकी कटाई होती है। बोले हाँ सर होती है। एक होता है कि जैसा लोहा मुझे जिस शेप में बनाना, लाइक मेरे को बार बनानी है, सरिया होता ना सरिया, तो सरिया बनाना है या फिर एंगल बनानी है, क्या बनाना मुझे, तो वो बनाने के लिए मेरा सांचा होना चाहिए, और क्या लोहे को सांचे में डालते बन जाएगा, नहीं बेटा उसको पिघलाना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त हीट पे उसको पिघलाना पड़ेगा, पिघलने तो लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको सांचे में डालोगे तो वो बन के निकलेगा। ऐसी ऐसी मशीनें हो सकती हैं वहाँ पे, हाँ सर हो सकती हैं। अब मुझे बताओ उस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कि सर बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, वर्कर्स जिनको मजदूर बोलते हैं अपन, कर रहे होंगे ना काम, जी सर काम कर रहे होंगे। बेटा उन मजदूरों की ज़िंदगी कितनी खतरे में है आप समझ सकते हो मेरी बात को, कैसे सर, लोहा पिघलाने वाली मशीन पे 20 कारीगर काम करते हैं, अगर गलती से पिघलते हुए लोहे उस गर्म में किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, या कुछ ऐसी कुछ हो गया घटना है, तो वो पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। लोहा काटने वाली मशीन में किसी का गलती से हाथ चला गया तो हाथ ही कट जाएगा। ठीक, तो वो जो रिस्क है उस रिस्क की जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है, हमारी फर्म की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है हम उनको क्षतिपूर्ति के तौर पे, उन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के तौर पे हम उनको पेमेंट करेंगे। इस बात के लिए हमने पहले से ही एडवांस में ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर इकट्ठा कर रखा है। कोष समझते ना, कोष मतलब खजाना, तो हमने खजाने की तरह बना रखा है, रिजर्व बना रखा है, और ऐसा पैसा हमने इकट्ठा कर रखा है, अगर किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत होती है तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इसलिए हम लाइन में लिखा, यह रिजर्व कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के लिए लाभों में से बनाया जाता है, प्रॉफिट में से बनाया जाता है, और प्रॉफिट होते किसके हैं, पार्टनर्स के होते हैं, एडमिशन के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये क्या होना चाहिए फिर आपका, ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो बढ़ जाना चाहिए, जैसे बाकी सभी के सभी रिजर्व बढ़ते हैं वैसे। अब अलग अलग हालात हो सकते हैं, कौन से हालात में क्या काम करूँगा मैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रिजर्व क्या होते हैं, एडमिशन में क्या पढ़ रहा हूँ, और इस लाइन का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब उस कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं वो देखना जरा। आपने एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, आपने देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, कि सर बैलेंस शीट बनी होती है, हाँ जी बेटा बैलेंस शीट बनी होती है। एक और बात, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इंग्लिश में तो नाम याद होना ही चाहिए आपको, बिकॉज लिखोगे तो इंग्लिश में लिखोगे, हाँ जी सर। अब इसको मैं प्यार से, आज के बाद इसको प्यार से क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा WCR, ठीक है ना, जैसे आपको प्यार से बोलता हूँ कभी कभी, तो क्या बोलूंगा WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR बोलूंगा, ठीक है सर कोई नहीं। तो लाइबिलिटी साइड में, तो रिजर्व कहाँ थे, लाइबिलिटी साइड में, डब्ल्यू
50,000 का लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 50,000 का लिखा हुआ है। फिर बैलेंस शीट होती है क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ सर होती है इंफॉर्मेशन, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वहां पर इसके बारे में नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ, कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि या तो कोई पॉइंट लिखा हुआ होगा नहीं, और लिखा हुआ होगा तो ऐसा हो सकता है कि WCR के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब पॉइंट ना लिखा हुआ तो भी यही मतलब है, और ये लिखा हुआ तो भी यही मतलब है, समझ रहे हो? अगर नहीं लिखा हुआ पॉइंट तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, इसका मतलब है WCR के लिए मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जिस टाइम एडमिशन हुआ तो हमने एनालिसिस करके देखा क्या किसी कर्मचारी के साथ में कोई दुर्घटना हुई है, अगर हुई है तो क्या मुझे उसको पेमेंट करना है, और नहीं हुई है तो मुझे पेमेंट नहीं करना है, ऐसा मैंने पता कर लिया। इसका मतलब क्या? किसी कर्मचारी के साथ में कोई दुर्घटना नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे किसी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पैसा उनको दो जिनका एक्चुअल में था, एक्चुअल में किसका था? जिनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, तो वो किसका था बेटा? पार्टनर्स का। तो ये एक्चुअल में पार्टनर्स का था, तो पार्टनर्स को देख करके नक्की करो कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड वाले को, कुछ नया आ रहा तो उसको थोड़ा मिलेगा, ओल्ड वाले पार्टनर्स को। तो आप सोच के देखो, अब ये पॉइंट आपका नॉर्मल रिजल्ट की तरह हो गया, बाकी रिजल्ट के साथ आप जो ट्रीटमेंट करते थे वही इसके साथ भी कर दो। तो सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो एंट्री करके दिखा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन आप करते ना लेजर पोस्ट एंट्री करके दिखा रहा हूँ, क्या होगा? आप इसको सीआर लाइब्रेरी मतलब सीआर से हटाओ इसको, तो WCR डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। रेशियो कौन सा होगा सर? जब ओल्ड पार्टनर्स लिखे हुए हैं तो रेशियो भी तो ओल्ड वाला होगा, ओल्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें कोई लायबिलिटी पेमेंट ही नहीं करनी तो ये पूरा का पूरा कैसे पैसा किसको बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा जिसको बढ़ना है, पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट का पैसा है, दोनों को बढ़ेगा। केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या हो सकता है? देखो ऐसा फिक्स नहीं कि ऐसे केस हो सकते हैं, हालात क्या क्या हो सकता है खुद सोच के देखो कि सर जो भी था उसमें कोई लायबिलिटी थी नहीं, ऐसा हो भी तो सकता है लायबिलिटी हो। बैलेंसिंग बनी हुई है, WCR जिसको प्यार से WCR कह रहा हूं, वो 50,000 लिखा हुआ है बैलेंसिंग में, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, और नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हो रहा है क्या कि WCR की लायबिलिटी बराबर 50,000। बेटा लायबिलिटी 50,000 है इसका, यानी कि हमने रिजर्व 50 का बना रखा है, और लायबिलिटी का मतलब क्या? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? किसी को भविष्य में पेमेंट करना है, किसी को भविष्य में पेमेंट करना है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? CR बैलेंस। तो हमने पहले से भी कहाँ लिखा हुआ है? CR साइड में लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमने आइडेंटिफाई किया कि किसी कर्मचारी के साथ में कोई दुर्घटना हुई है, तो पता लगा हाँ हुई है। अच्छा अगर हुई है तो उसको कितना पेमेंट करना है भाई? आपको पता लगा उसको 50,000 पेमेंट करना है, उसको पता लगा आपको क्या लगा? 50,000 पेमेंट करना है। आप जाकर के अपना कोर्स आपने देखा कितना है उसके अंदर पैसा? 50,000 है। अच्छी बात है, 50,000 है, 50,000 ही पेमेंट करना है, अभी नहीं, अभी तो ना पेमेंट करना है, एडमिशन हुआ पार्टनर का, अभी पेमेंट नहीं करना, मुझे पेमेंट करना है फ्यूचर, तो उसको लायबिलिटी के तौर पे मेरे पास में रखूंगा। अगर लायबिलिटी के तौर पे रखना है तो क्या मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता पार्टनर्स को, भाई ये पैसा मुझे रखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी होगी, इसको जैसा बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में इसको वैसे ही मुझे रखना है, इसके लिए मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, यानी कि मैं सॉल्यूशन में जब जाऊंगा तो बेटा नो 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 एंट्री। सुना ना आपने गाना? नो 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 एंट्री। अगर नो एंट्री में आपने एंट्री मार दी तो आपका चालान कटने वाला है, समझ रहे बात? जी सर। तो हमें एंट्री कोई पास नहीं करनी,
यानी हमें पार्टनर को अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग की बात करूँ बेटा क्या आएगा सर, पार्टनर लिमिटेड अकाउंट आ जाएगा ना बाई डब्ल्यू सी आर, ठीक है। अब मैं एंट्री नहीं कर रहा तो ना तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा ना पार्टनर लिमिटेड अकाउंट में आएगा। आपने एक चीज नोटिस कर दी, ध्यान से सुना क्या, जब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन, तो बैलेंस शीट में लिखे हुए किसी आइटम के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला जो कि लायबिलिटी है लाइक क्रेडिटर्स, जैसे कि लेनदार, अगर उसके लिए कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसा हम मानते हैं कि जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, उसको बैलेंस शीट को उठा करके लिख दो। अब यहाँ पर तो साफ साफ बोला जितनी लायबिलिटी पहले की आपने बना रखी है वह लायबिलिटी बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी, तो नई वाली बैलेंस शीट में ये न्यू वाली बैलेंस शीट बेटा इसमें वापस से डब्ल्यू सी आर 50 का आ जाएगा, ऐसे ही कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत पड़नी भाई, पहले भी यही लिखा हुआ था अभी भी यही लिख रहा हूँ, एंट्री क्यों करनी मेरे को नहीं करनी, ठीक है मेरी बात भाई, कोई ट्रांजेक्शन करना हो जाए एंट्री करनी आपको, ये लाइबिलिटी इशू है तो मैं इसको लाइबिलिटी के तौर पर कहाँ लिख दिया बैलेंस शीट में लिख दिया, तो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी, जब करूँगा तब पेमेंट करूँगा, तब पेमेंट की एंट्री कर लूँगा, आज क्यों करूँगा, ठीक है मेरी बात जी सर। ऐसे दो केस सोच के देखो बेटा और क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या था पेमेंट ही नहीं करना, यहाँ पर क्या था 50 का बना रखा था पूरा 50 पेमेंट कर सकते, ये भी तो हो सकता है कि 50 की लाइबिलिटी बना रखी है कम पेमेंट हो सकता है 50 से 20,000 30,000 40,000 50 से कम भी हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है सॉरी ऐसा भी तो हो सकता है कि पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाए भाई। आपने एक अंदाजन रिजल्ट में क्या होता बेटा, अंदाजन होता ना, तो आपने अंदाजन साथ 50,000 बना रखा था, लेकिन क्या पता एक बहुत बड़ी अनहोनी किसी की डेथ हुई उसकी फैमिली को मुझे भाई 60,000-70,000 रुपये देने, तो मेरे तक वो सबसे ऊपर भी तो पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वैसे केस चार तो केस बन सकते हैं, पेमेंट नहीं करना, जितना है उतना करना है, उससे कम करना है या उससे ज़्यादा करना है, चार ही बातें हो सकती है बेटा, ठीक है। तो चारों में से अपने दो केस तो कर लिए, दो केस और कर लेते हैं। अब दो केस तो मैं कल क्लास में कराऊंगा, इसमें एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ फटाफट से, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, हम आपको समझ में अगर आ गया तो किसी भी एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपल सा ये है कि मेरी फैक्ट्री है उससे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनके साथ में फ्यूचर में मैं पहले क्योंकि दूरदर्शी होता है बिजनेस में क्या होता है दूरदर्शी, आप सोच के देखो तो अगर कोई अनहोनी हो गई तो मेरे पास उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए पहले से ही पैसा होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। अच्छा पैसा आएगा कहाँ से भाई, मैं ऐसा करता हूँ मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% अमाउंट इनके लिए मैं अंदर से रख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो पेमेंट कर दूंगा, नहीं पड़ी तो ये पैसा मेरा तो है ही, ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है। ऐसी कंपनीज के अंदर कर्मचारी भी आराम से काम करने आ जाएगा बेटा, पता कैसे कि एक कर्मचारी जैसे आप मजदूर हो, अब मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा मजदूर हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 3-4 कंपनी है, मेरे सामने 3-4 कंपनियाँ हैं जो मुझे सेम पेमेंट कर रही है, उनकी तनख्वाह मेरे लिए सेम है या जो मुझे मजदूरी देते हैं वो बिल्कुल सेम है, और उनमें से एक कंपनी ऐसी है जिसने डब्ल्यू सी आर बना रखा है, यानी उनका इंटेंशन क्या है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको पेमेंट करेंगे, ये बना रखा है, बाकी 3-4 कंपनी ने नहीं बना रखा है, एक ने बना रखा है और सब में पेमेंट सेम है। तो आप सोच के देखो बेटा कि मैं कौन सी कंपनी में जाना पसंद करूँगा, मैं उस कंपनी में जाना पसंद करूँगा जिसने डब्ल्यू सी आर बना रखा है, क्यों जाना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई दिक्कत हुई तो ये उनकी लाइबिलिटी है कि वो मुझे पेमेंट करेंगे, मेरी फैमिली को पेमेंट करेंगे, मुझे पेमेंट करेंगे, मेरा इलाज करवाएंगे, बाकी कंपनी वैसे पॉलिसी नहीं है तो मेरे साथ कुछ भी हो गया तो वो लोग साफ हाथ खड़े करते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है, तो ना तो कोर्ट में कुछ बिगाड़ सकता है और ना हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। ऐसी कंपनी ने डब्ल्यू सी आर बना रखा है, मैं उसे कोर्ट केस भी कर सकता हूँ अगर पेमेंट नहीं करता है तो, कि उन्होंने पहले से बना रखा है फिर क्यों पेमेंट नहीं कर रहे, इनकी पॉलिसी है तो पेमेंट नहीं कर रहे, ऐसा तो सिंपल बात है, जितना था पेमेंट करना ही है, नहीं करना तो मालिक का पैसा है ले जाओ भाई, मालिक को ले जाओ ले गया, जितना बना रखा है उतना ही पेमेंट करना है, 2-3 महीने बाद में तो सेम उसे नेगेटिव रख लो, फिर इससे कम करना है तो क्या करोगे बताओ, बैलेंस अमाउंट बांट देते, और ज़्यादा करना है क्या करना है वो देख लेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है बेटा।
थैंक यू।